गुड डे मिस्टर बुराक, मिस्टर वोल्कन कैफे में मौजूद हैं। ओके थैंक्स। वोल्कन प्लीज, हमें बात करनी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई क्या बात है? बुराक क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? What do you mean? मैं यहाँ नहीं आ सकता। अरे नहीं, यहाँ तुम्हें अचानक देखकर चौंक गया। मैं मॉम के साथ ऑफिस गया था, वहां पता चला तुम यहाँ हो तो यहाँ आ गया। हे तुम टेंस लग रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ अब बात समझ आई, ये अभी भी कॉल करती है? हाँ मैंने उसे कॉल करने के लिए मना किया था। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए, वो यही चाहती है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। इनफैक्ट मैं उसके साथ डेट पर जाता फिर उसे छोड़ देता, वो यही डिजर्व करती है। यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गुड बॉय जो ठहरे। मेरी बात मानो वोल्कन, उसके साथ खेलो समझे, जरूरत पड़े तो बुरे बनो। लड़कियाँ अच्छे लड़कों के साथ यही करती है, तुम तो जानते ही हो। देखो मैं नहीं सब नहीं कर सकता बुराक, मैं खुद को नहीं बदल सकता, मैं जो हूँ वो हूँ और उसमें कोई बुराई नहीं है। फैसला तुम्हें करना है। फोन उठाओ और उससे बात करो, वरना वो कॉल करती रहेगी, वो तुमसे ऑब्सेस्ड है ब्रो, ऐसे ही नहीं मानेगी। हाँ बोलो। क्या तुम अपने ऑफिस में हो? नहीं डेनिस, मैं क्लब में हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज वोल्कन, मैं पास ही हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे बस तुमसे एक बार मिलना है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कम ऑन, एक बार मिल लो। ठीक है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो आ रही है। मैंने कहा ना वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखना भाई, और जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना। चलो बाद में मिलता हूँ। असले, अरे नहीं तुम यहां क्या कर रही हो? हे तुम रो रही हो, क्या हुआ बताओ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मुझ पर गुस्सा क्यों है? वैसे भी वो यहां कर क्या रही है? जरूर मेरा पीछा कर रही है। भाई सब ठीक तो है? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। तुमने सही कहा था, वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने मुझे होठों पर किस किया यार। वाह क्या बात है, आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया है? प्लीज मजाक बंद करो बुराक। उसने सबके सामने तुम्हें किस किया? हाँ और क्या। वाह 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 मेरे शेर। चलो उठो चलते हैं यहाँ से। क्यों वोल्कन, चलो ना कुछ खाते हैं, भाग दौड़ कर मुझे भी भूख लगी है। चलो उठो यार, बकवास बंद करो, कहीं और जाकर खाना खा लेंगे हम। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता, एक बार जो भरोसा टूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं टूट सकता। यार मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना जानता हूँ, मजे करना जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरी तरह बन जाओ, कभी अपसेट नहीं रहोगे। शायद तुम सही हो, मैं सब कुछ सीरियसली लेता हूँ, शायद इसलिए डेनिस डर गई और फिर उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई।
भाई हम अभी यंग हैं, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इतना टेंशन मत लो। वैसे भी बैचलर्स लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। ये देखो, इस लड़की के सिक्स सेंस की दाद देनी पड़ेगी, लगता है इसने मेरी बात सुन ली। यस बेबी, बोलो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो बुरा? ड्राइव कर रहा हूँ, अभी क्लब से निकला हूँ वोल्कान के साथ। तो आज का क्या प्लान है? मुझे लंच पर मिलोगे? ओके, तो आज बरस के रेस्टोरेंट चले? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। सी यू। मैंने क्लब में असली को देखा, तुम जानते हो वो वहाँ क्यों आई थी? वो वहाँ इंटरव्यू देने आई थी। क्या? कौन सा इंटरव्यू? असली अब से हमारे कैफे में काम करने वाली है। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, हमारी वजह से उसकी जॉब गई। उसने हमारे लिए जो कुछ किया, मतलब तुम्हारे लिए उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसके लिए भी हमें कुछ करना तो चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे ऐदा को जब सच पता चलेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने भी चाला से झूठ बोला और आगे भी बोलना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। कंग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं, उस वजह से नहीं, मैं नहीं चाहता चाला को पता चले कि मैंने झूठ बोला था। तुम टेंशन मत लो यार, वैसे भी चाला हमारे क्लब में नहीं आती है और असले को जॉब की बहुत ज़रूरत थी, और ऐदा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगी। अब तुम्हें असले की बड़ी परवाह है? क्या बात, क्या आई मीन कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? अरे तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। वैसे मुझे तो यही लगता है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ बुराक। ओके, अब गुस्सा मत हो भाई। वो ना एक वायरस की तरह है जो मेरी जिंदगी में फैलता ही जा रहा है। हेलो वोल्कन। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, कहीं तुम मुझे देख कर तो नहीं जा रहे हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बहुत थक गया हूँ इसीलिए घर जा रहा हूँ। ओके ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू। इसे क्या हो गया? अपसेट लग रहा था। वो डेनिस पर गुस्सा है, वो आज कैफे में मिले थे। वोल्कन डेनिस से मिला? मतलब वो अभी भी उसके पीछे है? हाँ, वो पैचअप करना चाहती है। उससे पैचअप करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा क्यों कह रही? आई नो तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम जितना सोचती हो उतनी बुरी नहीं है वो। क्या बात है बुराक, आज डेनिस की साइड ले रहे हो? नहीं चाला, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। कैसी हो चाला? हेलो। हेलो, मैं ठीक हूँ। हम लंच करने आए हैं। ओके, जरा मेनू देना। चाला, मेरी कजिन मिगे से मिलो, यूके में रहती है, यहाँ छुट्टियों में आई है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हम चलते हैं। ठीक है। मैं मिगे को इस्तांबुल घुमाने जा रहा हूँ। You guys have fun. Thanks. खाना enjoy करना। See you. See you. बताओ क्या खाओगी? मैं कुछ लाइट खाऊंगी, मुझे सैलेड चलेगा। ओके, ड्रिंक में क्या लोगी? वो मैंने सोचा नहीं है। मैं लूंगी ग्रिल्ड फिश सैलेड और मिनरल वाटर। ओके। मैं फाइटा लूंगा और कोक। तो तुम इस्तांबुल कब शिफ्ट हो रही हो, कुछ सोचा तुमने? हम नेक्स्ट वीक मूव होने वाले हैं स्वीटी। पता है बहुत मजा आने वाला है, वरना स्कूल शुरू होने से पहले मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी। हाँ बहुत मजा आएगा। अरे यार, लोग बच्चों को बाहर क्यों लेकर आते हैं? गुस्सा क्यों हो रही हो? कितना प्यारा बच्चा, उसे भूख लगी होगी, जल्दी चुप हो जाएगा। बुराक, बात क्या है? आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं।
इसके रोने से मेरा सर दुख रहा है। ओह बेचारा बच्चा, ये क्यों रो रहा होगा? क्या मतलब है? बच्चे रोतलू ही होते हैं। उफ़ कितना रो रहा है, मुझे यकीन है उसे जरूर कोई तकलीफ हो रही होगी। क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? आओ यहाँ पर, आओ ना मेरे पास आओ। अले ले ले ले, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अले क्यों रो रहे हो? तुम कितने क्यूट हो। बुराक क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? नहीं कुछ नहीं। मॉम मैं आपसे ही मिलने आ रही थी, काम खत्म हो गया? सब हो गया, मैं बस टेरेस से गंदे ग्लास लेने जा रही हूँ। रुको मैं लाती हूँ। ठीक है, और उन्हें बेसिन में रख देना। okay, समझी? तो ठीक है। हाँ। Şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git. Ben giderim, sevmesem de severim. Gurur benim neyime, kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim, sevmesem de severim. Kim ne derse desin,
başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdım gözlerini, bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme. Adam gibi unutamadım diyemedim bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim. उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती, मुझे उसे भूलना होगा। हेलो, कैसे हो बुराक? तुम हो? मेरा नंबर सेव नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, ये क्या हो रहा है यार? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्सीडेंट के वक्त मेरा बैग उस कार में छूट गया था, जरूर तभी तुमने लिया होगा। कितने बेशरम आदमी हो तुम, बिना पूछे तुम मेरा फोन नंबर चुराते हो। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सोचा आगे भी मिलते रहेंगे, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। क्या कुछ गलत कहा? मैं भला तुमसे क्यों मिलूंगी? हाँ, मैं तुम्हारे कैफे में काम करती हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, समझे? हाँ, मैंने सुना, नए जॉब के लिए कांग्रेट्स। थैंक यू, वोल्कान ने मेरी मदद की, उसी की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। जानता हूँ, क्लब से निकलते वक्त तुम रो रही थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। बस कॉल करके गलती कर दी, तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो, कैसी लड़की हो तुम? तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? अपने काम से काम रखा करो और मुझसे तो दूर ही रहा करो। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन तुम ऑफिस छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों चले गए थे आखिर, बताओ तो मुझे। मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा था, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि प्रोग्राम बदल गया था, याद है ना बशर, जिसने उस दिन कॉल किया था? जब उसका कॉल आया तब मैं साइट पर ही जा रहा था और इसी वजह से मैं उससे मिल लिया। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैंने एक बार प्रोग्राम क्या चेंज कर लिया, तुम तो इल्जाम लगाने लगी। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ निहाद, मुझे बस जवाब चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आज मैं हुलिया से नहीं मिली होती तो मुझे उस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। तो क्या मुझे तुम्हें हर छोटी छोटी चीज भी बताने की जरूरत पड़ेगी? देखो ये कुछ ज्यादा ही हो गया सेल्डा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सब बताओ, पर हुलिया ने आकर सबके सामने बोला और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या कहूँ निहाद, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी जान, तुम मेरी लाइफ हो, माय स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी गिलहरी। गिलहरी? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? हाँ, हाँ, तुम्हें दुख पहुंचाने का मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं सोचोगे ना? बिल्कुल नहीं मेरी जान। अरे क्या कर, अरे कोई देख लेगा तो? बिल्कुल नहीं, हम अपने घर के अंदर हैं। कोई आ भी तो सकता है। चलो आज थोड़ा पियानो सुना दो, मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर तुम्हें सुनना है तो क्यों नहीं माय लव। ठीक है, पर कब से बजाया नहीं है, पता नहीं याद भी है कि नहीं। अच्छे से बजा तो लोगी ना? देखते हैं। Thank you.
क्या बात है बकुल। शानदार मेरी सुंदर बीवी। वो अब भी बाहर है क्या? रुको रुको देखता हूँ मैं। वो अभी भी बाहर है। मैं यहाँ खड़ी खड़ी थक गई हूँ। चलो हम बाहर चलते हैं। आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भी छिपकर बोर हो गया हूँ। आखिर ये मेरा घर है, मैं क्यों छुपूं? देखो बुराक, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी, प्लीज मत जाओ। Very funny. तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है क्या? सच बताओ। देखा फिर से कितना बोल रहे हैं। मैं तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम मुझे देखकर शॉक्ड हो गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेस करो। ओह, तुम उनके बेटे हो? ओह गॉड, कहाँ का बदला ले रहे हो मुझसे? मैं भी वही सोच रहा था। हसलो, चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं, चलो चलो यहाँ से। मैं आ ही रही थी। आपके डैड की बात मानते हुए और पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे आपका सरनेम छीन रहा हूँ। अब से मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरे एम्प्लॉई। आपको मंजूर है बुराक? ओके। बढ़िया। मुझे लगा आपको ऐसे काम से शुरू करना चाहिए जो ज़्यादा थकने वाला ना हो। इन फाइल्स को यहीं रख दो। थैंक यू। हम यहाँ पर हर मेंबर के लिए एक लॉग शीट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। पर कुछ दिन पहले कंप्यूटर में वायरस आ गया था और हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया। अब हमें वो डेटा री एंटर करना है। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 होंगे। क्या 500? सच में? हाँ, और उन सबको अल्फाबेटिकली एंटर करना है। आप मजाक कर रहे हैं ना? देखो अगर कल तक तुम ये सब सॉर्ट कर लेते हो तो वीकेंड पर डेटा एंट्री कर सकते हो। और हाँ, मैं शाम तक यहाँ नहीं रहूंगा, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ए, पागल हो गए हैं क्या? मैं ये सब काम किसी हालत में नहीं करूंगा। I'm really very sorry, Dad. हाँ बोलो डैड। ऑल द बेस्ट बोलने के लिए फोन किया था, क्योंकि तुम्हारे पास काम करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। ये कितना मुश्किल है यार। ऐसे तो टाइम पास होने से रहा, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। कितना बोर हो गया मैं। पता नहीं वो क्या कर रही होगी, मैं वहां नहीं जा सकता, तो उसे मेरे पास आना चाहिए। लेट्स हैव सम फन। हेलो, मैं मैनेजमेंट से कॉल कर रहा हूँ। असली है? जी हाँ है सर। उसे अभी मैनेजर के ऑफिस में भेजो जल्दी। यस सर।
आ जाओ बैठो। तुम यहाँ भी? मुझे लगता है मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो, मैं कब से तुम्हें ये गुड न्यूज देना चाहता था पर तुम हमेशा मुझसे गुस्से में रहती हो। कैसी गुड न्यूज? मुझे निकाल रहे हो? अच्छा है, मैं भी अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट अब तो मैं कॉफी एंजॉय करने लगा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। क्या? मुझे ये मंजूर नहीं। मैंने तुम्हें बॉस बनने को नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। तुम गलत समझी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉस बनो, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। पर क्यों? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मैं बॉस क्यों नहीं बन सकता? प्लीज मजाक मत करो, तुम खुद को तो संभाल नहीं सकते, इतने बड़े क्लब को क्या संभालोगे? तो क्या तुम कैफे में वेटर्स का काम कर सकती हो? तो मैं भी ये कर सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये एटीट्यूड नहीं सहन होता। मैंने वोल्कान पर भरोसा करके ये जॉब किया था, उसने कहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे, इसलिए जाओ और दूसरी नौकरी ढूंढो। वाह, पीठ पीछे साजिश चल रही है। आई एम सॉरी पर मैं दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी ही तुम मुझे घर से भी निकलवा दोगी? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए था ताकि मैं वहाँ से निकल सकूँ। मौका मिलता ही मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत करो। कोई भी नहीं चाहता कि तुम घर से या यहाँ से चली जाओ। तो फिर प्लीज मुझसे ज्यादा बातें मत क्या करो। तो फिर मुझे क्यों बुलाया था? कुछ अर्जेंट है क्या? तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब क्या है, झूठ बोलना है? नहीं, काम के बारे में। मुझे लगा काफी आसान है, खुद करो ना। तुम अपने बॉस को इनकार कर रही हो? हाँ, ये काम मेरा नहीं है, अगर आप कहे तो मैं अपने काम पर लौट जाऊँ। ओके, तुम इन्हें अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दो और चली जाओ। मैंने कहा कि ये काम मुझे नहीं करना है, अपनी सेक्रेटरी से काम करवाओ ना। वो कहेंगे कि मैं इतना आसान काम भी नहीं कर सकता। क्या बात है, सुनकर आंसू आ गए। अब मजाक उड़ाना बंद करो और मेरी हेल्प करो, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा यार। हाँ हाँ, और कुछ करना है? आज के लिए काफी है ना इतना। और तुम तो? हाँ बोलो। बुराक सर, चारला मैम आई है। क्या, उन्हें रुकने को कहो। चारला यहाँ क्या कर रही है? वो तुम्हें देख लेगी तो? क्या, तो फिर क्या करे? तुम एक काम करो, तो तुम छिप जाओ, मैं उसे बाहर कैफे में मिलता हूँ। तुम प्लीज गलती से भी बाहर मत आना। और कुछ करना है? मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से क्या लेना देना? वो तुम्हें जानती है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ कह देगी। यार तुम्हें अंदाजा भी नहीं है चारला कैसी है, अगर उसने हमें एक साथ रूम में देख लिया तो ड्रामा करेगी और सब मेरी मॉम को बता देगी। ओ गॉड, माय लव, व्हाट अ लवली सरप्राइज। क्या बात है माय लव, किसी मीटिंग में थे क्या? नहीं, बस लंच के लिए जा रहा था। चलो साथ चलते हैं, आ जाओ। ओके। ओ गॉड, ये कौन सा बदला ले रहे हो? अरे बुराक, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अब तो मैं यही देखूंगा। वो क्यों? बिकॉज अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हेलो डेनिस, हाय, कैसे हो तुम? ठीक है, तो आओ बैठो। नहीं, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं, सच बताऊं तो हम अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी? वोल्कान और मैं फिर से एक साथ हैं। ओ सच में, फिर से साथ हो, ये तो अच्छी बात है। चलो हम बैठते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बुराक। अब से सब अच्छा ही होगा। दुख की बात है। क्या दुख की बात है? जो वक्त तुमने दूर गुजारा है। हाँ, पर अब हम एक दूसरे को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं। अब मैं अपने रिलेशन को एक अलग तरह से देखने लगी हूँ। इस बार हम सीरियस हैं, मतलब दूसरे लोगों के साथ डेट करना काम में आया। तुम गलत सोच रहे हो, मैंने वोल्कान के अलावा किसी को डेट नहीं किया है। सच में? तो फिर मैंने गलत सुना होगा। ऐसा क्या सुना था चाला ने? जरा हमें भी तो पता चले इस बारे में। जो भी है मैं साफ साफ बता। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस अंदाजा लगाया। जब तुम डेनिस से अलग थे तब तुम भी किसी और लड़की के साथ थे ना, इसलिए मुझे लगा कि गुस्से में आकर डेनिस ने भी ऐसा ही किया होगा, और कुछ नहीं। नहीं, तुमने गलत समझा। झूठी, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। ओके, ठीक है,
मुझे नहीं लगता कि वोल्कान उस लड़की के बारे में सीरियस था। जनीस देखो, इतनी भी डिटेल में जाने वाली बात नहीं है ये, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना। हे, तुम्हें उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, पिछली बातें भूल जाओ। सबसे जरूरी ये है कि अब तुम साथ हो, है ना? लंच हो गया हो तो हमें वापस ऑफिस चलना चाहिए, काफी काम पड़ा हुआ है हमारा। हाँ बिल्कुल, आज हम काम कर रहे हैं। चाला, तुम्हारा क्या प्लान है? मॉम के कॉल का वेट कर रही हूँ, हम नया घर देखने जा रहे हैं। कौन सा नया घर? चार्ला और उसकी मॉम इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। रियली? ये तो अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हुई वोल्कन भाई। क्या कहा भाई? ओ तुम्हें नहीं पता क्या, मेरी मॉम और सिनन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? पर अभी के लिए ये फैमिली सीक्रेट है। क्या मेरे पेरेंट्स को ये बात पता है? बिल्कुल पता है। तो मुझे सबसे बाद में क्यों पता चल रहा है? तो हम दोनों सिस्टर इन लॉज होंगे, हम तकरीबन सिस्टर इन लॉज ही हैं पहले से। क्या बात है, मानना पड़ेगा, अंकल ग्रेट है। देखो नाम लिया और कॉल आ गया। हाँ मॉम। हाँ हमारा लंच हो गया है। ओके मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहीं मिलती हूँ। ओके मॉम, बाय बाय। अंकल को कंग्रेचुलेट कर देता हूँ। पहले तो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए, काम करने का फैसला जो कर लिया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है? मेरे डैड की वजह से, वो चाहते हैं कि मैं डिसाइड करूं और मैंने ये क्लब चूज किया। तुम्हें ऐसा लगता है? इसका क्या मतलब? तुम मिस्टर तुरगत को नहीं जानते हो। मैं कैसे जानूंगा? आज के बाद जान जाओगे। मेरी मॉम वेट कर रही है, हम चलें? ओके। अब सहन नहीं होता, बस अब मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा तो तुम्हारा नया घर कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? हाथ पकड़ा हुआ है, आंखों में झांक रहा है। Anyway, मुझे ऑफिस जाना होगा। वैसे तुम यहाँ आई कैसे हो? तुम्हारी मॉम का ड्राइवर मेरा वेट कर रहा है। ओके, तो वो तुम्हें घर ले जाएगा। ओके, सी यू। सी यू। तुम अपनी कार लाई हो? हाँ लाई हूँ। अच्छा मुझे बुराक से बात करनी, बाद में बात करता हूँ। ओके, सी यू। असले कैफे में नहीं दिख रही है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई वो? नहीं, वो ऑफिस में है मेरी हेल्प के लिए। तुम्हारी हेल्प के लिए? मुझे लगा था उसने कैफे में काम करना शुरू किया है। सिर्फ आज के लिए। देखो बुराक, मैंने असले से वादा किया था कि वो यहाँ कंफर्टेबल रहेगी, इसीलिए तो वो मानी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपना काम करने दो। तुम कब से असले के बॉडीगार्ड बन गए हो? जब से मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तुम उसे मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। असली एक सिंसियर लड़की है, उसे मैनिपुलेट मत करो तुम। अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम? मेरा दिलदार भाई, सॉरी पर अब असली से दूर रहना नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं ब्रो। क्या? पर कैसे? वो और उसकी मॉम लॉज में रह रहे हैं, उसकी मॉम हमारी नई कुक है। मजाक कर रहे हो? जब हम बोर्डरूम में थे तब उसकी मॉम ने काम करना स्टार्ट किया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हुआ था। चलो अच्छा, जब असली घर में है तो तुम उसे थोड़ा ठीक बिहेव करोगे। खैर छोड़ो, कल घर पे ऐडा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाला को भी लेते आना तुम। उसकी पार्टी बरस के कैफे में थी ना? मैंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, उसे इस बारे में नहीं पता। ओके। अब बहुत हो गया, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। अब मिस्टर तुरगत, मैं बस जा ही रहा था। अपना काम खत्म कर लिया तुमने? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है। दिखाओगे कि क्या किया तुमने? आ,
मैं कल कर लूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है? बुराक, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे आज ही खत्म करना है। I'm sorry, पर इन्हें जमाए बिना तुम नहीं जा सकते। मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं जा सकते। आप मुझे रोकोगे? मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से शिकायत कर दूंगा। और क्या? क्या सच कह रहे हो? निहाद सर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। तो आप कोई बहाना नहीं बनाओगे? ठीक है ओके। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कॉल करिए, जो करने का। मैं तो चला। हाँ बोलो मो। अरे बेटा, काम का पहला दिन कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक है मॉम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे डैड और मैंने शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था तुम एक दिन भी नहीं टिकोगे और जल्दी ही तुम्हारी शिकायत के लिए कॉल आ जाएगी। तो मैंने कहा तुम मेरे बेटे को नहीं जानते। तुम हैरान हो जाओगे, अपनी सोच पे शर्मिंदगी होगी तुम्हें। थैंक गॉड, आई एम राइट डार्लिंग। अपने डैड को मत बताना कि मैंने कॉल किया था। ये हमारा सीक्रेट है। ओके, बिल्कुल मत बताना। अरे शायद वो आ रहे हैं। मैं रखती हूँ। सी यू बेबी। मुझे तो एक्ट्रेस बन जाना चाहिए। अब बुराक एक महीने तक तो ये बात याद रखेगा। सुल्तान सेल्डा, फिर से क्या ड्रामा कर रही हो? ओ निहाद, तुम कब आए पता ही नहीं चला। बस अभी। वेलकम होम। बिल्कुल ठीक हो? तो ये सारे फॉर्म्स अल्फाबेटिकली रखने हैं, है ना? हाँ। All the best. नहीं, मैं ये अकेले हरगिज नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ, कोई और काम है? No thanks. See you. ठीक है। अब ये फिर से क्यों कॉल कर रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जरा ठीक से बात कर। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम मेरे बॉस हो। जी मिस्टर बुराक। मेरे कैबिन में आ जाओ जल्दी। प्लीज ऑर्डर मत करो। प्लीज आओगी? हाँ क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? जिद मत करो, आ जाओ यार। ठीक है। क्या चाहिए जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी। कहाँ के लिए? क्या मतलब कहाँ के लिए? मुझे घर जाना है, मैं यहाँ थोड़ी सो सकती हूँ। लगता है मुझे यहाँ सुबह तक रहना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती क्या? आई एम वेरी सॉरी, पर मैं बहुत थकी हुई हूँ। अगर मैं घर लेट पहुंची तो मॉम फिक्र करेंगी। हम कॉल करके बता देंगे उन्हें, प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तुमसे हेल्प की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जब तुमने कहा कि छिपो तो मैं कितने घंटों तक छुपी रही ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना देखे। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। जाओ ना तुम। ओके, गुड नाइट। सिर्फ यही एक औरत है जो हमेशा ना कहती है। बस कब आने वाली है? वो तो कब की चली गई है, पर आगे एक बस स्टॉप है, पर अंदर मैनेजमेंट के लोग होंगे। जाओ, कोई ना कोई तुम्हें ड्रॉप कर देगा, चेक कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ मतलब एक आध दिन के लिए ठीक है, पर हर रोज हरगिज नहीं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ फंस गई हूँ।
जाकर मदद ही कर देती हूँ। मॉम, असल कहाँ हो बेटा? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, यहाँ पर अभी भी थोड़ा काम बाकी है। ओह, इतना काम करा रहे हैं तुमसे? नहीं, मैं खुद ही रुकी हुई मॉम, और मैं बिल्कुल थकी हुई भी नहीं हूँ। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करो। ठीक है मॉम, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इतनी फाइल्स खत्म नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जल्दी याद आई मेरी। तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई है और मैं लेट हो गई हूँ। एनीवे, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वापस आ गई। मेरा मतलब काम बहुत है, तुम हेल्प करोगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, करना ही पड़ेगा ना बॉस कहीं के। ठीक है, यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ। ओके, शुरू करो। हमें सारे फॉर्म्स को अल्फाबेटिकली रखना है, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट सी तक खत्म भी कर दिया। ऐसे कह रहे हो जैसे सी नहीं वी तक पहुंच गए हो, तुम तीसरे लेटर पर ही हो। क्या बात है, काफी एनर्जेटिक लग रही हो, मुझे लगता है वी तक भी पहुंच ही जाएंगे। ओके, जब तक मैं ये करती हूँ तुम मेंबर के नाम कंप्यूटर में फीड करना शुरू करो, समझे तुम? जल्दी करो। ओके बॉस। लो ये लिखो। देख क्या रहे हो, लिखो ना। थक गया हूँ, चलो ना एक ब्रेक लेते हैं। अरे ऐसे कैसे ब्रेक ले सकते हैं, हमें तो और भी जल्दी काम करना चाहिए। चलो जल्दी से हाथ चलाओ। जल्दी हाथ चलाओ? हाँ, तुम सच में फनी हो। अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। एक ही जगह इतनी देर नहीं रह सकता, घुटन होती है। हम एक जगह जा सकते हैं। पर कहाँ? अपना लैपटॉप लो और मेरे साथ चलो। चलो। हेलो डेनीज, क्या कर रहे हो? बस अभी घर आया हूँ। आज रात हम मिलने वाले हैं ना? नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। वोल्कान, वैसे मैं इस बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी पर तब तक रुक नहीं पाऊंगी,
मेरे बाद तुम जिस लड़की के साथ थे, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। डेनिस, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है यार? डेनिस, गर्लफ्रेंड वाली बात झूठ थी, वो तो एक नाटक था जो बुराक ने खेला था ताकि चाला बुराक के बारे में गलत ना सोचे, और मुझे भी उसका साथ देना ही पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या सच में यही बात थी? पर ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं भी तुमसे उतना ही लॉयल था जितनी तुम मेरे साथ थी, लेकिन देखो तुम ये सब चाला को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो बुराक के साथ ब्रेकअप कर लेगी। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके, सी यू बेब। देखो, हम यहाँ काम कर सकते हैं। आई होप तुम यहाँ बोर नहीं होंगे। काफी अच्छा आइडिया है, जगह बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। हे, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। अब चलो काम करते हैं। तुम देख क्या रहे हो? अब कुछ नहीं। चलो कम ऑन, तुम मुझे नाम बताओ, मैं एंटर करती जाती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ओके, फिलिस। अभी तक आया क्यों नहीं? वो काम कर रहा होगा ना। तुरगुट ने भी मुझे यही कहा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं उसे कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कॉल करता हूँ। अरे फोन नीचे रखो, बाद में खेल लेना। अब चलो आगे बोलो। अच्छा है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो। बुराक, जल्दी। ओके, चलो अब लिखो। लिख रही हूँ। तुम्हारा फोन। हाँ बोलो डैड। हेलो बुराक, कहाँ हो तुम? क्लब में डैड, काम खत्म कर रहा हूँ। क्लब में हो? इतनी लेट काम कर रहे हो? आप कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। बेटा, या तो तुम कभी काम नहीं करते हो, या करते हो तो फिर घर नहीं आते हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कंफ्यूज कर देते हो, क्या कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है डैड, काम खत्म होने पर घर आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके बेटा, ठीक है, पर जल्दी आना। वो काम कर रहा है, खत्म करके आ जाएगा। वो काम कर रहा है ना, पर तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता। हाँ वो काम कर रहा है, पर वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। तुम देखना, कल वो काम पर जाने वाला बिल्कुल नहीं है। जो कहो वो हार जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जो कहूंगी वो शर्त? हाँ, जो तुम कहो। ओके निहात, हो जाए शर्त। मेरी मॉम फिक्र कर रही होंगी, मैंने कहा था मैं लेट हो जाऊंगी। बस हो ही गया, और हाँ अगर तुम नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, पर ये आखिरी बार था। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ थोड़ा अजीब हो जाएगा, मैं घर के पास उतर जाऊंगी। ओके ओके, चलो। अब कॉल मत करना क्योंकि तुम्हें पता है कि काम कैसे करना है। जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं काम करूंगा। मेरे लिए इतना काम करना आसान नहीं, मुश्किल है। ऐसा कह रहे हो मानो तुम मजदूरी करके आए हो। ऐसा भी क्या कर लिया जो तुम इतने थक गए? मेरे डैड कह रहे थे कि काम कितना आसान है, जिम्मेदारी लेना और बाकी सब करना। जब वक्त आएगा तब मैं इस सब बारे में सोचूंगा ना, अभी से क्यों सोचूं? सही कह रहा हूं ना? तुम्हें कैसे पता कि वक्त आएगा बुराक? तुम्हारे लिए तो जिंदगी एक खेल है, पर तुम एक ही पल में सब कुछ गवा सकते हो, इतना आसान नहीं है। मेरे डैड की डेथ से पहले मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर एक ही पल में मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे स्ट्रांग होकर नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, काम पर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे डैड नहीं थे जो मेरे लिए काम करते हैं। हर चीज का सामना मैंने और मॉम ने किया, और अभी तक हम कर ही रहे हैं। हे,
sorry. तुम्हारे डैड तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं ताकि तुम्हें कुछ करना ना पड़े, और जब तुम अकेले रह जाओगे ना तो आराम से सब संभाल लोगे। तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें बस उसे मेंटेन करना है। तुम कह रही हो तो लग रहा है कि डैड ठीक ही कहते हैं। तुम्हारी फैमिली को मैं जानती हूँ, वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम सच में बहुत लकी हो। थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। मुझे यहीं उधर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे बाद आता हूं। अच्छा है कि अंधेरा हो गया तो। Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. बुरा कैसा है? मैंने कहा ना, मेरा बेटा कर सकता है, तुम ही शक करते हो। तुम्हें पता नहीं मुझे उस पर कितना नाज हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, सिंसियर और समझदार। सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ सच में। मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है निहार। पर उसे ये मत बताना कि मैंने ऐसा कहा, प्लीज। पर क्यों? उसे सुनकर खुशी होगी निहार। तुम अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर क्यों नहीं करते निहार? तुम अपना अपना प्यार, अपनी फिक्र, तुम बताओ, तुम्हें नाज है उस पर? तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी ऐसी आदत नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। ओह माय डार्लिंग। चलो, बहुत थक गया हूं मैं, नींद आ रही है, अब सोने चलें। ओके माय लव।
तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। हमारे लिए सैंडविच बना लो ना। क्या मैं बनाऊं? हाँ बिल्कुल। ऑफिस में ऑर्डर देते हो अब घर में भी? ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बनाता हूँ, पर पहली बार बना रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं बना तो कुछ कहना मत। ओके ओके, बना लो। तुम प्लेट्स निकालो तब तक। ओके। तुम फिक्र मत करो, कोई आया तो मैं तुम्हें फिर से छुपा दूंगा। हाँ, छिपाने वाली चीजों में तुम एक्सपर्ट हो। सैंडविचेस तैयार है और चाय भी। वैसे सच में क्या अच्छी टीम है हमारी, ऑफिस में भी और घर पे भी। अरे वाह। वाह क्या बात है। ये क्या हुआ? सैंडविच टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले मैं पकड़ी जाऊं मुझे वापस जाना चाहिए। आसले, her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım, şaştım, yanaştım. Güzel. क्या हुआ अब और क्या चाहिए? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın. Her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Daima küçücük bir kız gibi sarıl bana. Ben tümüne çok like kardım. Al beni. Saç. Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış olmama. Aslı. Burak sir. वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी। क्या बनाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू, खा लिया मैंने। मैं बस मैं बस जा ही रहा था। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मॉम मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी, बुराक यहाँ। नहीं असला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम अकेले उसके साथ नहीं देखी जा सकती। अगर मिसेस सेल्डर देख लेती तो। हाँ आप सही कह रही हैं,
मैंने नहीं सोचा था। असलक कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है कि हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखना। ओके। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मॉम, पक्का। ठीक है बेटा, चलो रात हो गई है, सो जाते हैं। Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.